मुंब्रा शील में पहली बार आरके इंटरप्राइजेस आपके लिए लाया है टुडे ब्रांड 100% नेचुरल ऑयल, प्योर एंड हेल्दी, जो कोल्ड प्रेस ऑयल मशीन में तैयार किया जाता है। इसके अलावा ओरिजिनल मसाले, फ्रेश आटा, मल्टीग्रेन आटा, सब कुछ नेचुरल अफोर्डेबल प्राइस के साथ कस्टमर की डिमांड पर आंखों के सामने मशीन से निकाल कर दिया जाता है। आपका अपना टुडे ब्रांड, असली खाएं सेहतमंद रहें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। थाने के कलबा इलाके के एक मदरसे से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां इस मदरसे में पढ़ने वाले 5 नाबालिग बच्चे इस मदरसे से फरार हो गए। हालांकि ट्रेन में ये सफ़र कर रहे थे, इसी दौरान इन्हें डोंबेवली जीआरपी ने पकड़ लिया है और इन बच्चों को बाल गृह में रखा गया है। बच्चों ने बताया कि मदरसे में जो शिक्षक है वो इन्हें पिटाई किया करते थे, जिसकी वजह से तंग आकर ये बच्चे वहाँ से भाग गए थे। बताया जा रहा है कि ये 5 बच्चे जो है ये बिहार के रहने वाले थे और कलवा के एक मदरसे में पढ़ाई किया करते थे, मगर शिक्षकों की पिटाई से ये बच्चे तंग आ गए थे और मदरसे से भाग गए। ट्रेन में ये बच्चे चढ़े और कल्याण डोंबेवली के तरफ जा रहे थे, मगर ट्रेन में ये बच्चे आपस में ही बातचीत कर रहे थे और इनकी बातचीत बगल में ही बैठी एक महिला यात्री वो सुन रही थी और उसे इन बच्चों पर शक हुआ। उसने इसकी सूचना डोंबेवली जीआरपी को दी। जानकारी मिलते ही डोंबेवली जीआरपी ने इन 5 बच्चों को ट्रेन से उतार लिया। इनसे पूछताछ की गई तो इन बच्चों ने बताया कि वो बिहार जा रहे थे, क्योंकि उनके मदरसे में जहां वो पढ़ते थे वहां पर शिक्षक उनके साथ मारपीट किया करते थे, जिससे तंग आकर ये बच्चे मदरसे से भागकर बिहार जा रहे थे। हालांकि जीआरपी ने बच्चों के बयान के बाद इन्हें बाल गृह भेज दिया है और मदरसे के 2 शिक्षकों पर 324 व बाल कायदा 75 के तहत गुनाह दाखिल किया है। और ये पूरा मामला जो है कलवा का है, क्योंकि मदरसा जो है वो कलवा इलाके में है, इसलिए आगे की इस पर और कार्रवाई वो कलवा पुलिस करेगी। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।